क्या चाहते? आजादी। अरे हम क्या चाहते? आजादी। अरे और जोर से आजादी। अरे और जोर से आजादी। अरे तुम भी बोलो आजादी। अरे मैं भी बोलो आजादी। इस सीएए से आजादी। इस एनपीआर से आजादी। इस सीएए से आजादी। इस एनपीआर से आजादी। इस एनआरसी से आजादी। जोर से बोलो आजादी। आए हुए सभी मां बहनों का मैं संविधान बचाओ समिति की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आप तमाम की आमद का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं हमारे संविधान बचाओ समिति के जिम्मेदार अहमद भाई से गुजारिश करता हूं कि आज के इस महिला मोर्चे का प्रस्तावित वो आपके सामने करे। ज्यादा तादाद में यहां पर आए, मैं पहले संविधान समिति श्रीरामपुर की जानिब से आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता। मौजूदा हालात में आप लोग जरा खामोश रहे तो बोलने में मजा। इस केंद्र की सरकार ने एक काला कानून बनाया 15 दिसंबर 2019 में और इसकी मुखालिफत पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया के अंदर इसकी मुखालिफत हो रही है। ये कानून क्या है इसको आप लोगों को थोड़े दो लफ्जों के अंदर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस गवर्नमेंट ने मौजूदा सरकार ने जो एनआरसी एनपीआर और सीएए ये नया कानून बनाया। मैं सबसे पहले आके मुसलमानों के पास, आप लोग जितने पढ़े लिखे मां बहनें होंगी जिनको सबको पता है क्या इस मुल्क के अंदर 750 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी, इसलिए हमारे कागजात को ज्यादा मत जांचो। अगर हम अपने ज्यादा कागजात आपको बता दें तो शायद इस मुल्क के हम ही मालिक निकलेंगे। लेकिन ये जो मुस्लिम समाज है ये एक समझदार और होश वाला समाज है। ये हमारे लिए नहीं, हम हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों के लिए रास्ते पर आए हैं। इससे पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारी जंग हुई, अंग्रेजों से जो हमने ये हुकूमत को छीना है, आप लोगों ने तारीख में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी। जब अंग्रेजों की हुकूमत यहां शुरू हुई तो ज्यादातर यहां मुस्लिम राजे थे और वो मुसलमानों से उन्होंने हुकूमत छीनी थी, इसलिए मुसलमानों ने ही उनसे हुकूमत वापस छीनी जिसको हम आजादी बोलते हैं। ये हिंदुस्तान मुल्क को आजाद हमने किया, ये मुल्क हमारा ही था, हमने वापस लिया और आज हम ही से बोला जा रहा है कि कागज बताओ। हम कागज नहीं बताएंगे। तुम हमारी निशानी जानना चाहते हो, दिल्ली का लाल किला देखो, ये मुसलमानों के वजूद की निशानी है। अरे हमने बातों में ताजमहल बना दिया, मोहब्बत के खेल में ताजमहल हमने बना दिया, फिर हमसे पूछते हो कि कागज कहाँ है, ये ताजमहल किसने बनाया? तुम अपने दिल से पूछो ताजमहल किसने बनाया? हमने बनाया। और हमसे कागज मांगा जा रहा है आज, इसी की मुखालिफत करने के लिए हम लोग रास्ते पे रोड पर उतर आए। चार मीनार किसने बनाया? कुतुब मीनार किसने बनाया? हमारे जिले के अंदर जाएंगे भुईकोट किला, जो पूरे हिंदुस्तान में जमीन के साथ मिला हुआ एक, जिसको भुईकोट किला बोला जाता, वो किला अहमद शाह अब्दाली ने बनाया, हमने बनाया। फिर हमसे पूछा जाता भाई, एक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर आप लोगों के सामने अर्ज करता हूं। शहर तो शहर है, समंदर को भी ना छोड़ा हमने। शहर तो शहर है, समंदर को भी ना छोड़ा हमने। गहरे जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़ा हमने, फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं।
इस काले कानून की मुखालिफत करना हमारा पहला फरीजा है, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इसके अंजाम जानते हैं। हमारे जो दीगर भाई, जो हिंदू भाई आसपास में है, वो बेचारे नहीं जानते, उनके अंदर अभी तक इस बात की चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज हमारे जो दलित भाई है, उनको तो 50 तक तुम लोग स्कूल में नहीं आने देते थे। 1950 तक ये लोग किसी गांव में अपनी बस्ती करके नहीं रह सकते थे, वो लोगों को देश के बाहर, गांव के बाहर उनको रहना पड़ता था। वो लोग अपने जन्म का दाखला कहां से लाएंगे? जो हमारे आदिवासी भाई है, वो लोग जंगलों में रहते, वो लोग अपने पैदाइश का दाखला कहां से लाएंगे? और बेवकूफ सरकार, इसके खुद के आंकड़े हैं कि इस हिंदुस्तान में 30% लोग आज भी बेघर है, फिर भी बेवकूफ कहता है कि महसूल के पुरावे लाओ। अरे जब भाई ने तेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, फिर तुम हमसे मांगते हो? तो ये जो मुसीबत आने वाली है, मैं आपको एक बात ये भी याद दिलाता कि आज का एक मोर्चा ये इस लड़ाई का आखिरी मोर्चा नहीं है। शाहीन बाग में हमारी मां बहने -सेल्सियस डिग्री के अंदर 15 दिसंबर से बैठी हुई, आज उनका 64वां दिन है। हम तो अभी 3 घंटे पहले आए, हमारे शहर में इससे पहले 3 आंदोलन हो गए। आज ये मस्तूरात का सिर्फ इसलिए कि वो दिल्ली के अंदर हमारी मां बहने 64 दिन से बैठी है। मैं आपको एक बात बता दो कि जो भी पैदा हुआ, कितना भी बड़ा नाम हुआ, लेकिन वो अपनी मां के गोद में पला और पैदा, और उसी के मां की वजह से ही वो बादशाह बना, वो हिम्मत वाला बना, उसकी मां के गोद का असर है। वो कोई बड़ा आदमी बना, उसकी मां के गोद का असर है। और फिर बेवकूफ सरकार बोलते कि मुसलमानों के मर्द रजाई में सो रहे हैं और औरतें आंदोलन कर रही। जैसा मुकाबिल होगा वैसे लोग आएंगे ना सामने। अरे जब सामने चूड़ियां पहने लोग हैं तो चूड़ियां पहनने वाले जाएंगे ना, दूसरे कौन आएगा? और तुम जब बराबरी की बात करते हो, तुम्हारे एजेंडे में है कि औरत और मर्द में फर्क नहीं करने का, तो भी तुम कैसे लड़ाई में फर्क करते हो? तुम क्या झांसी की रानी को नहीं मानते? क्या तुम शिवाजी की मां को नहीं मानते? छत्रपति शिवाजी महाराज जो इतना बड़ा राष्ट्र पुरुष हो गए हैं, इनको कहां से सीख मिली? इनका कौन गुरु था? इनको इतना बड़ा आदमी बनने में पूरे देश का, पूरे दुनिया का नेतृत्व करने जैसा बनाने के अंदर उनकी वालदा मोहतरमा जिजाऊ का बहुत बड़ा हाथ था। उन्हीं के बदौलत वो इतने बड़े आदमी बने। और फिर तुम औरतों के बारे में बोल रहे हैं कि मर्द रजाई में सो रहा। अरे अभी तो औरतें ही रास्ते में आई है तो तुम्हारे पसीने छूट गए। तुम 2 महीने के बाद में क्यों होता नहीं इतना बोल रहे कि हम बातचीत करने को तैयार है? तुम 1 मिनट पीछे नहीं हटूंगा, ऐसी तुम्हारी जुबान थी। आज तुम बातचीत करने को तैयार हो रहे, ये तो औरतों के उतरने का असर है। थोड़ा आंख बंद करके सोचो, अगर मर्द रास्ते पे आ गए तो तुम्हारी हालत क्या होगी? इसलिए ये जो कानून है एनआरसी, इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक रहने का, क्योंकि 1 मई से इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर एनपीआर शुरू होने वाला है। और एनपीआर के अंदर वो लोग अपने घरों पे आएंगे, वो हमसे मालूमात मांगेंगे, हमें उनको कोई मालूमात देनी नहीं, उनको कोई कागज हमको देना नहीं है। आज जो भी लड़ाई हमको शायद ये साल भर भी लड़ना पड़े, 2 साल भी लड़ना पड़े, इसमें हमें कुर्बानी भी देनी है। आज सिर्फ वक्त की कुर्बानी है, आज सिर्फ वक्त की कुर्बानी है। शाहीन बाग में हमारी एक बहन ने अपने 4 महीने के बच्चे की कुर्बानी दे दी, और उसकी उस माँ की हिम्मत को हम सलाम करते हैं कि अपने बच्चे को दफन करने के बाद वो औरत वापस उस शाहीन बाग के मंडप में आके बैठ गई। ऐसी माओं को हमारा सलाम है। क्या संविधानाचार जनक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अपन सर्वांच्या वतीने या सर्व महिला घरीच्या वतीने विनम्र अभिवादन करूया, कारण या संविधानावरच आज या महिला या
ठिकाणी आलेले आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला संविधान दिलं, जगण्याचा मूलभूत हक्क दिला, आणि ज्या भारतामध्ये ज्या हिंदुस्थानामध्ये आपण जन्माला येतो या जन्माला येण्याचं नागरिकत्व आपल्याला या संविधानातून दिलेलं आहे. आणि आपल्याच नागरिकत्वावर गदा आणणारे, आपलं नागरिकत्व हिरावून घेणारे जे मोदी आणि शाह सरकार आहे, त्या शाह सरकारचा आज आपण या ठिकाणी काळा दिवस म्हणून साजरा करतोय. या सरकारचा प्रचार या ठिकाणी जाहीर जाहीर निषेध करतोय. आता आपल्याला जागीरदार साहेबांनी सांगितलं एनआरपी एनआरसी सीए, अहो हे कायदे तुम्ही आणले कुठून? हे वतन आमचं आहे. सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुले है इनकी ये गुलशिता हमारा. म्हणजे आपण तिरंगा झेंडा जर या भारतामध्ये जर रोवतो, आपले सर्व जवान भारताच्या सीमेवर जात पात न पाहता तिथे तैनात होतो आणि तिथे शहीद होतो, त्यावेळेस आपल्याला नागरिकत्व विचारलं जात का? मग आपण या भारताचे नागरिक असताना देखील विषय फक्त एका जाती धर्माचा नाहीये. मला सांगायचं एवढंच, संविधान समितीला संविधान समितीची कोर कमिटी आहे यांचे मी आभार मानते की त्यांनी मला दोन शब्द बोलण्याची संधी दिली. या हिंदुस्थानामध्ये 56 अक्कर जाती आहे, केवळ एकच समाज ज्याच्यावर गदा नाहीये. आमचा एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्याक मागासवर्गीय इतर मागासवर्गीय विजय एनपी आदिवासी या सर्वांच्या जाती धर्मावर गदा आणणारा हा जातीनिहाय भारतीय नागरिकत्वाची पडताळणी करा, पडताळणीची नोंदणी करा. भारतीय नागरिकत्व आपण आहे का नाही 50 वर्षाचे दाखले आणून सिद्ध करा. हा सगळा खोटारडा कायदा जातीयतेत निर्माण करण्यासाठी यांनी काढलेला आहे. आणि या सरकारचा आपण या ठिकाणी जाहीर निषेध करत आहोत. सगळ्या देशामध्ये आज सगळेजण रस्त्यावर आलेले, एका जाती धर्माचा विषय नाहीये. माझ्या माय माऊल्यांनो सांगायचं तात्पर्य, आता जागीरदार भाऊंनी सांगितलंय की आमच्या जो काही मागासवर्गीय पीडित जो काही जंगलात राहणारा आदिवासी वर्ग आहे, उदाहरणार्थ ऊसतोडीला जाणारे जे लोक आहे, ते पहाटे 4 वाजता ऊसतोडीला जातात आणि ऊसतोडीचं तिथंच डिलिव्हरी होतात. मग कुठं नोंदणी करायची, किंवा नागरिकत्व यांना दाखवायचं? अरे असे काही लोक आहे, आम्ही कुठेही जन्माला आलो पण जन्माला आलो या भूमीवर, ही भूमी आमची आहे, इथं नागरिकत्व आमचं आहे. हा जो ज्याचा कायदा या सरकारने आपल्यावर लागू करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, हा आपण कधीच कबूल आणि मान्य करणार नाही. या संपूर्ण देशामध्ये विविध जाती धर्माचे मोर्चे निघालेत आणि या कायद्याला विरोध करण्यासाठी भारतीय संविधान रॅली, भारतीय संविधान कोर कमिटी, भारतीय संविधान बचाव समिती या सर्वांच्या वतीने आपण पुढे चाललेलो आहोत. आणि या सर्वांचे आपण आभार मानूया की एवढी महिलांची जनसंख्या या ठिकाणी आपण आलेलो आहे. या सरकारने आता महिला उत्तर देत आहे, पुरुष पण उत्तर देत आहे, आणि आमच्या शाळेचे हे सगळे छोटे मोठे बालक उत्तर देत आहे. आम्ही देश के रहिवासी है, यही हमारा भारतीय नागरिकत्व है. अब बनाओ खैर तुम्हारी, निकल पड़ी है बेटिया. अब अगर अगर एक आवाज पे इतनी औरतें अगर एक वक्त पे आ सकती है तो फिर तो मोदी की तो खैर नहीं. और ये जो नवे नवे कानून लेके आ रहे हैं लोग, तो एक्चुअली पहली बात तो ये है कि इनके पास खुद कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और ये दूसरों को ये लगा रहे. पहली बात तो ये है कि ये कायदा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बाकी ये सारे ही धर्मों के लोगों के लिए है, जिसमें ये लोग हमें तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं. आज बता दिया इन लोगों को, प्रत्येक गावातल्या शहरातल्या गल्लीतल्या सगळ्या खाना खोपऱ्यामध्ये हा काळा कायदा आणला आणि एक दहशत या मोदी शहाने तयार केली. आम्हाला ह्या मोदी शहाला या मोर्चाच्या निमित्ताने हे सांगायचंय, अरे तुम्ही घुसखोर शोधून काढा, आमचा त्याला सपोर्ट आहे.
त्यांना सांगितलं तर काळा पैसा आणणार आहे. अरे काळा पैसा कोणाकडे होता? तुमच्याकडेच होता. पण काळा पैशावाला एकही माणूस नाही तुम्हाला राहिला नाही. आमच्या माता भगिनी, माझ्या आया बहिणी दिवस दिवस रांगेत उभ्या राहिल्या. कोणाची भूल करतात तुम्ही? कोणाची दिशा भूल करतात? देशाची जनता एवढी वेडी आहे का तुम्ही सांगता का हे फक्त मुसलमानासाठी आणलेला कायदा आहे? हा कायदा जेवढा कष्टकरी वर्ग आहे, जेवढा शोषित वर्ग आहे, या सगळ्या कष्टकरी आणि शोषित वर्गाच्या विरोधात आहे. जेवढ्या माझ्या अगोदर रमादाईवरनी सांगितलं का आपल्या देशामध्ये ज्या विविध जाती आहेत, जेवढ्या कष्ट करणाऱ्या जाती आहे, आमच्या घामावर हा देश चालतो. आणि या सगळ्या घामावर चालणाऱ्या आणि या सगळ्या कष्ट करणाऱ्याच्या विरोधात आणलेला हा कायदा आहे. तुम्ही कोणाला सांगतात देशभक्तीची भाषा? आम्हाला तुमच्या देशभक्तीवर संशय आहे, शक आहे. ज्यावेळेस स्वातंत्र्याची लढाई चालू होती, आमचे पूर्वज, आमचे आजोबा, आमचे नाना नानी, दादा दादी हे त्याच्यामध्ये लढले. त्यावेळेस तर तुम्ही इंग्रजाचे पाय चाटीत हिंडत होते. आरएसवाले कुठे गेले? आणि हे सारं पाप तुम्ही त्यावेळेस नौकर सांगितलं होतं, तुमच्या अजेंड्यामध्ये होतं, जाहीरनाम्यात होतं का आम्ही 1 कोटी रोजगार देऊ वर्षाला? अरे तुम्ही एका व्यक्तीला रोजगार देऊ शकले नाही? शरम आहे तुमच्यावर. आणि आज देशामध्ये देशाचा GDP कुठे गेला? आज देश कोणत्या खाईमध्ये आहे? कोणत्या महामंदीत आहे? आणि हे सगळं पाप झाकण्यासाठी तुम्ही NRC आणली, CAA आणलं, NCR आणलं, हे कशासाठी चालू आहे? सगळं फक्त तुमचं पाप झाकायसाठी चालू आहे. आणि हे देशातले लोक कदापि सहन करणार नाही. शाहीन बाग मध्ये एकमध्ये आहे टाका, कुणी म्हणलं औषध टाका. हळूच एक माझ्यासारखा माणूस आला आणि तो म्हणला, अरे तुम्ही हे काढा ते काढा. सगळ्यात पहिले त्याच्यामध्ये जे 2 कुत्रे पडले मोदी शहासारखे खल्लाये, आणि त्या देशातून बाहेर काढा. आणि जोपर्यंत त्यांच्या सारखे हे खल्लायक बाहेर निघत नाही तोपर्यंत हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई हम सब भाई भाई. आणि हे देशात तेढ निर्माण करायचं जे राजकारण यांनी चालवलेलं आहे हे कदापि हे सगळ्यांना हिंदूंना मुस्लिमांना कष्टकऱ्यांना सगळ्यांना मिळून हे हाणून पाडावं लागेल. त्याच्यासाठी आजचा हा मोर्चा आहे. कोणतं सरकार आहे? स्वातंत्र्य होऊन 73 वर्ष झाली, आमचं रक्त सांडलं, आम्ही देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिलं, इथून माग नागरिक ठरवायचे. आमचं सरकार सिक्युलर असावं का जातीवादी असावं का कसं असावं? त्यावेळेस आधार कार्डावर तुम्ही आमच्याकडून मत घेतले. आणि आता तुम्ही सांगता का आम्हाला 70 वर्षापूर्वीचे पुरावे द्या, इथं जन्मले का कुठे जन्मले? अरे तुम्ही कुठे जन्मले हे आम्हाला गुजरातमध्ये येऊन शोधावं लागेल. खरं आम्हाला येऊन गुजरातमध्ये शोधावं लागेल का तुम्ही कुठे जन्मले? आमचे पुरावे तर माझ्या अगोदर प्रस्तावनेमध्ये बहिणींनी सांगितलं, आमचे पुरावे ज्या वेळेस आम्ही देऊ तर हे संपूर्ण देशाचे मालकच आम्ही होऊ. जेव्हा आम्ही कुतुब मिनार बनवला, लाल किल्ला बनवला, ताजमहल बनवला, पण तुमचे काय देणार आहात तुम्ही? अरे तुम्ही ज्या वेळेस तुम्ही अखलालला मारलं आम्ही गप्प बसलो, तुम्ही तरबेज अन्सारीला मारलं आम्ही गप्प बसलो, रोहित वेमुल्लाला मारलं आम्ही गप्प बसलो, गोधरा हत्याकांड केलं आम्ही गप्प बसलो. पण आता यो देश आमचा आहे, या देशावर आमचं प्रेम आहे, आमचं बाळत इथं वाढलेलं आहे. आणि हे सोडून जायची भाषा करतात तर आम्ही कदापि सहन करणार नाही. तुम्हाला आम्ही पळता भुई फुडी करू लोच इशारा देण्यासाठी आज आम्ही इथं जमलेलो आहोत. असं एक नाही, आम्ही हजारो नाही, गल्ली बोली शाहीन बाग तयार करू. आणि जो मोदी शहा म्हणतो का इंच भर माग सरकणार नाही, अरे आम्ही तुला या भारतामध्ये इंच भर जागा सुद्धा ठेवणार नाही. एवढं तिथं बोलते आणि मी थांबते. NPR और CAA का विरोध कर रहे हैं. सरकार हमें ये विश्वास दिला रही है कि NRC से ECAA से डरने की जरूरत नहीं है. जो इस देश का मुसलमान है उसका कोई नुकसान नहीं होगा, जो या फिर किसी भी नागरिक का नागरिकता नहीं छीनी जाएगी. पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा इस बात पर, किसी के दिल को तसल्ली नहीं हो रही है. इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह
जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब ये नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जो भड़काने वाले मुस्लिम विरोधी जो बयान दिए उसकी वजह से सबको इस सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कुछ नारे ऐसे थे कि मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद करने के लिए बीजेपी को वोट दो, कुछ नारे ऐसे थे कि बीजेपी को वोट दो नहीं तो मुगलों का राज आ जाएगा, या फिर हिंदू खतरे में है। इस तरह के इन्होंने जो जो भी बयान दिए इलेक्शन के दौरान उसकी वजह से जो है अब उन पे विश्वास कोई नहीं करता। वो कितना भी आश्वासन देंगे, कितना भी हमको भरोसा दिलाएंगे तो भी विश्वास नहीं आता। और बाद में इलेक्शन के बाद बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन फिर भी इन दोगलेपन की वजह से सब परेशान है। और CAA जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के विरोधक है, इसीलिए सब विरोध कर रहे हैं। पिछली सदाकत हमारे साथ है, देखो आगे मासूद मंजिल तक पहुंचना है। दस्त कल पर रखती हूँ के सही सही इंसाफ करे हुकूमत हमारे साथ, हमें मिटाने की कोशिश मत कर वरना मिटाना हमें भी आता है। तारीख गवाह है, इंकलाब जिंदाबाद। कहानी है ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी है। मेरे भाइयों और बहनों, आप यहाँ पर आए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। हम जब छोटे थे हमारे बच्चे आज स्कूल जाते हैं, हमने स्कूल गए, हम और हमारी माँ बहने भाई हम सब स्कूल गए, तब हम हर दिन तब से लेके आज तक हमारी माँ बहनों से लेके हमारे बच्चों तक कि आज हम लोग एक कसम खाते हैं, आज भी स्कूल के अंदर हमारे बच्चे चाहे मीडियम इंग्लिश स्कूल में जाए, उर्दू स्कूल में जाए, चाहे मराठी मीडियम से स्कूल पढ़े, हम लोग आज भी वही कसम लेते हैं जिसे हम शपथ कहते हैं, भारत मेरा देश है। हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है इंडिया इज माय कंट्री, मराठी में कहा जाता है भारत माझा देश है, सारे भारतीय माझे बांधव है। तो फिर ये देश मोदी जी, अमित शाह और योगी जी का कब का हो गया? मैं उनसे कहना चाहूंगी ये हथकंडे तुम्हारे कोई नहीं अपनाएगा, कब तक आप जितना भी ये करोगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी माँ बहने आज सड़कों पे उतरी है, इसी का अंदाजा आपको लगा लेना चाहिए। आपने हमें बहुत, हमने सोचा कि आप हमारे मजलूमों की आवाज बनकर, हमारी आवाम की आवाज बनकर संसद भवन में हमारी फरियाद रखेंगे, लेकिन आपने तो हमें मिटाने की पूरी पूरी कोशिश की। आपने पहला मुद्दा उठाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद वहां से शुरू हो गई मॉब लिंचिंग, तबरेज अंसारी की हत्या, आसिफा की हत्या, तबरेज अंसारी को मुल्क के नाम पर उकसाया गया, उसे सताया गया, हर चीज हम लोग सब याद रखते हैं, हमें कोई हम भूलते नहीं है। लेकिन आप जितना भी चाहो जुल्म कर लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत देश सिर्फ हमारा है, ना ही किसी के बाप का। मैं आपसे कहना चाहूंगी अमित शाह और नरेंद्र मोदी योगी, ये जैसे अब ये गद्दार हमें बताएंगे ये खुद तड़ी पा रहे अपने देश से, और ये हमें बताएंगे कि ये हमारा मुल्क है या नहीं, आज का हमें पता नहीं है। हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है, यही डॉक्यूमेंट है। चार मीनार को देखो, डॉक्यूमेंट चाहिए तुमको, ताजमहल को देखो, संसद भवन के बाहर निकल कर देखो, आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान का हर नक्शा कहता है चीख चीख करके, हर हिंदुस्तानी इस देश का वासी है। आप कहना चाहते हैं, आप कहना
एनपीआर दिखा, हमें कोई निकालने की जरूरत नहीं, नहीं हमारे पास कुछ, क्या करते हो तुम कर लो। बोल रहे भाई हल्ला बोल, बोल रहे साथी हल्ला बोल, हम क्या चाहते, बूढ़े मांगे, बच्चे मांगे, भाई मांगे, बहना मांगे, अम्मा मांगे, अब्बू मांगे, बच्चे मांगे, हम लेके रहेंगे, जो तुम ना दोगे हम लेके रहेंगे, अब लाठी मारो हम लेके रहेंगे। अरे सुन ले मोदी, अरे सुन ले अमित, अरे सुन ले योगी, हम लेके रहेंगे। बस इतना कह के मैं इससे रुकती हूँ। वोटिंग सिस्टम कंप्लीट की जाती है, वो
बड़ी हो सकती है, ऐसा निकाल, ऐसा जजमेंट 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। 2019 में जो चुनाव जीत के ये लोग वहां पे गए हैं, हम लोग बोलते हैं आपने और मैंने उसको वोट नहीं दिया था, हम लोगों ने ऐसी सरकार चुन के नहीं भेजी है, हमारा वोट तो वहां तक गया ही नहीं है। ये जो सरकार है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नाजायज पैदाइश है। अरे जो लोग नाजायज है उनसे जायज कामों की उम्मीद कैसे करेंगे, उन लोगों से हम जायज फैसलों की उम्मीद कैसे करेंगे। अगर हमको लड़ाई लड़नी है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ताकि ये जो कानून बनाने की ये लोग जरूरत कर रहे पार्लियामेंट में वो करना वो लोग बंद कर देंगे। आज वो लोग देख रहे हैं लाखों की तादाद में देश के सारे लोग रास्ते पे आ रहे हैं, लेकिन वो लोग डर नहीं रहे। क्यों डर नहीं रहे पता है क्या? उनको आपके और मेरे वोट की जरूरत नहीं है अभी, उनको आपके और मेरे वोटों के ऊपर जीत के जाने का डर नहीं है। इसलिए मैंने बोला पार्लियामेंट में जो लोग गए हैं वो हमारे लोग प्रतिनिधि नहीं है। दूसरी बात, 1971 में आसाम में एनआरसी सबसे पहले लागू किया गया था, 19 लाख लोग आसाम में एनआरसी के लिस्ट के बाहर दिखाए गए हैं, 1600 करोड़ रुपया आसाम में बहाया गया, 56,000 गवर्नमेंट के एम्प्लॉई वहां पे काम पे लगाए गए। आसाम का पॉपुलेशन कितना है पता है? भारत के पॉपुलेशन के सिर्फ 3% लोग आसाम में रहते हैं हमारे। वहां पे 1600 करोड़ रुपया बहाया गया, 56,000 से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को काम पे लगाया गया। ये डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने का, उनको चुनने का, वो लिस्ट तैयार करने का, और लिस्ट तैयार होने के बाद 19 लाख लोग एनआरसी के लिस्ट में शामिल नहीं है। किसका स्पेलिंग मिस्टेक है, किसका नाम गलत है, किसके बाप का नाम गलत है, किसके बाप दादाओं का डॉक्यूमेंट नहीं है, और इन्होंने ना हमारा वोटिंग कार्ड इन्होंने मान्य किया है, ना हमारा राशन कार्ड इन लोगों ने मान्य किया है, ना जिसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल किया गया है आधार कार्ड उसको ये लोग एडमिट कर रहे हैं। तो कौन से दस्तावेज आप लोगों को हमारे नागरिक होने के चाहिए? 19 लाख लोगों में से 5 लाख मुस्लिम है, तो 14 लाख जो भाई है वो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इतना पता है कि सिर्फ आसाम की एनआरसी की लिस्ट तैयार हुई है, मैं आपको इसके भी आगे की जानकारी देती हूँ। गुजरात में एनआरसी की लिस्ट तैयार हो गई है, 9 लाख आदिवासी एनआरसी लिस्ट के बाहर है। मध्य प्रदेश में एनआरसी की लिस्ट तैयार की गई है, 22 लाख आदिवासी एनआरसी की लिस्ट के बाहर है। ये जो मसला है ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, लेकिन हम लोग एक बेसिक चीज को समझ नहीं पाते हैं। इस देश में जब जब हिंदू मुसलमान का मसला दंगे फसाद यहाँ पे करवाए जाते हैं, तभी इन लोगों की सियासत मजबूत होती है। 2014 से ये लोग शासन पार्लियामेंट में बैठे हुए सरकार चला रहे हैं, हर चीज में फेल है। अब इनके फेल्योर के बारे में मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बोल दिया है। नोटबंदी लाई वो फेल हो गई, हमारे बच्चों से एजुकेशन इन लोगों ने छीन लिया, गवर्नमेंट के जितने भी हमारे स्कूल है सारे बंद करवाने पे ये लोग तुले हैं, हमारी रेलवे गाड़ियां भी इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हमारे बच्चे जो है आज रास्ते पे घूम रहे हैं। जीडीपी रेट नीचे आ चुका है, किसानों से ज्यादा आत्महत्या बेरोजगार बच्चे कर रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में जब उनको समझ में आया कि अब हमको कुछ यहाँ पे लोग वोट देने वाले हैं नहीं लेकिन जूते खाने पड़ेंगे, इन्होंने हर बार चेक किया मुस्लिम भाइयों को, ट्रिपल तलाक के वक्त चेक किया, हम लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया। बाबरी मस्जिद के वक्त इन लोगों ने चेक किया, हमने रिप्लाई नहीं दिया। माओ लिंचिंग के वक्त इन लोगों ने हमको चेक किया, हमने रिप्लाई नहीं दिया। तीन
नहीं दिया तब इनको समझ में आया, जब तक ये लोग रिप्लाई नहीं देंगे, रिएक्शन नहीं देंगे, प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तब तक ये लोग SC ST OBC के लोगों के बीच में जाके उनको ये कैसे बताएंगे कि हिंदू खतरे में है। बराबर है, मुसलमान जब अकेला रास्ते पे उतरता है तभी तो SC ST OBC के लोगों को ये समझाया जा सकता है कि अरे तुम लोग हिंदू खतरे में है। अब ये रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, इसलिए इन लोगों ने NRC का इशू लाया, इसलिए इन लोगों ने CAA का इशू लाया। हम जब भी हमारे ऊपर बीतती है हम लोग क्या बताना चालू करते हैं, मुसलमान कितने वफादार हैं, मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया क्या नहीं किया हम लोग गिनवाना चालू कर देते हैं। आप लोगों को क्या लगता है उनको पता नहीं है? अरे उनको तो वो भी पता है जो आप लोगों को पता नहीं है। आज जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति यहाँ पे पैदा की गई है, वो जो संविधान बचाने के लिए आप लोग आए हैं, आपको पता नहीं कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों का है वो संविधान बनाने में। जब संविधान सभा का इलेक्शन था, उस संविधान सभा के इलेक्शन में जाने के लिए बाबा साहब बॉम्बे प्रोविंस में से खड़े हो गए थे, वो चुनाव वो हार गए थे। अगर बाबा साहब संविधान सभा में चुन के नहीं जाते तो संविधान लिख नहीं पाते थे, पहला चुनाव वो हार गए थे। दूसरा चुनाव वो बांग्लादेश से उन्होंने चुनाव जीता था। आज का जो पश्चिम बंगाल है, उस वक्त जो बंगला था वो बांग्ला में, वो उस वक्त मुस्लिम लीग और जस्टिस पार्टी के लोगों ने, यानी मुसलमान और नमोशूद्राय जाति के लोगों ने संविधान सभा में बाबा साहब को जुटा के भेजा, तब ये संविधान बना है। आप लोगों को ये मालूम नहीं हुए कि संविधान बनाने में आप लोगों का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अगर आप लोग उस वक्त बाबा साहब के साथ में नहीं रहते तो ये संविधान ही नहीं बनता, ये संविधान संघर्ष समिति ही नहीं बनती। ये बात उन लोगों को पता है, वो किस बात से डरते हैं आप लोगों को पता है? पुराने शरीफ में कहा गया है जालिमों के खिलाफ मजलूमों का साथ दो, और ये मजलूमों का साथ आप लोगों ने जब जब दिया है तब तब आप लोग हुक्मरान बन चुके हैं। ये बात उनको पता है, इसलिए वो लोग आप लोगों को आइसोलेशन में डाल के लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों कैसे आइसोलेशन में डाल रहे हैं? NRC में क्या कहा उन्होंने, फला फला डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, जमीन के कागज चाहिए, 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, जन्म का दाखला तब का चाहिए, तब का आपके वालिद का उनके वालिद का। अगर ये सब रहा तो आप इस देश के नागरिक हो, अगर ये सब रहा तो आप इस देश के नागरिक हो, अगर ये नहीं रहा तो हम समझेंगे आप घुसपैठिया हो। अब ये कानून में क्या बदमाशी की इन लोगों ने, अगर इस डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कम रहा और सामने वाला अगर मुसलमान रहा तो उसको घुसपैठिया करार कर दिया जाएगा। और दूसरी बदमाशी क्या की, लेकिन अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट अगर कम रहा और वो बंदा अगर SC ST OBC का, जिन लोगों को आप हिंदू कहते हो, अगर वो रहा तो हम उनको नागरिकता देंगे, लेकिन सेकेंडरी मतलब दुय्यम नागरिकता देंगे। दुय्यम नागरिकता का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। दूसरी बात, हम उनको नागरिक देंगे, हिंदू बोल के हम उनको नागरिक देंगे, नागरिकता करार देंगे। मुसलमान को अगर मुसलमान कह के नागरिकता इस देश में मिलने वाली है तो SC ST OBC के लोगों को हिंदू बोल के नागरिकता देने वाले हैं। इसका मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने का पूरा प्रोग्राम उनका तय है। संविधान में किसी भी शख्स को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC को SC ST OBC है, इसलिए उनको रिजर्वेशन है। अगर जैसे ही उनको इस नागरिकता कानून के अंतर्गत हिंदू का सर्टिफिकेट मिलता है, वो अपने फंडामेंटल हक अधिकार खो देते हैं। ये बात अब तक उन लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो बोला NRC में से अगर कोई डॉक्यूमेंट कम होते हैं तो हम मुसलमानों को घुसपैठिया करार घोषित कर देते हैं, वैसे ही हमारे मुस्लिम भाइयों ने आइसोलेशन में प्रतिक्रिया देना चालू कर दिया। इससे गड़बड़ ये हो गई कि बाकी की SC ST OBC के लोगों को लगा
कि ये जो मुद्दा है, ये जो मसला है, ये मसला हमारा नहीं है, तो इन लोगों का मसला है, ये इन लोगों का मसला है। और ये करने में वो लोग सफल हो रहे थे, इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा ने ये डिसीजन बनाया। पूरे देश भर में हम लोगों ने आंदोलन चलाया। बहुजन क्रांति मोर्चा कोई संगठन नहीं है, बहुजन क्रांति मोर्चा का कोई अध्यक्ष नहीं है। बहुजन क्रांति मोर्चा क्या कहता है, हमारे समाज में, हमारे देश में जितने भी संगठन हैं, वो संगठन अपने झंडे, अपने डंडे, अपने एजेंडे के साथ में एक साथ आ जाओ और संविधान बचाने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाओ। ये सभी संगठनाओं को एक साथ लाने का पूरे देश भर का एक बड़ा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा एजेंडा है। 29 तारीख को बहुजन क्रांति मोर्चा ने इस देश में एनआरसी सीएएनपीआर के खिलाफ में भारत बंद का ऐलान। वो लोग कहते हैं 1971 के पहले का डॉक्यूमेंट हमको दिखाओ। हम बोलते हैं इस देश में हमारे बाप दादाओं ने हमको पैदा किया, यही हमारा डॉक्यूमेंट है। अगर तुम लोग चाहते हो कि इस देश में एनआरसी लागू किया जाए, तो हम भी बोलते हैं हमारे खून का जो डीएनए है, वो डीएनए के बेस पे एनआरसी लागू कर दो, फिर हम देखते हैं कौन डिटेंशन कैंप में जाएगा और कौन देश के बाहर जाएगा। लड़ाई लड़ने के लिए हमको रणनीति बनानी पड़ेगी। लड़ाई लड़ने के लिए हमको हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये समझना पड़ेगा। हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, जो आ सकता है उसके साथ को लेके हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब ये बात बनने वाली है। मैं फिर एक बार संविधान संघर्ष समिति को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके मेरी बात रखने का मुझे मौका दिया। धन्यवाद। ये राजनीतिक भाषा की आज जरूरत है। सबसे पहले उन औरतों को हम सब एक साथ सलाम करेंगे। मैं बोलूंगी शाहीन बाग, आप सब हाथ उठा के बोलना, दोनों हाथ उठा के सलाम सलाम सलाम। शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग। 1930, जरा सोचो, सुनो ठीक से, आप भी समझ सकेंगे और मोदी और अमित शाह भी समझ सकेंगे। पूरे दुनिया को आज याद आ रहा है 1930, क्यों कि 1930 ये दुनिया के लिए एक ऐसा पाठ था, दुनिया के लिए एक ऐसी घटना थी जब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ नमक का सत्याग्रह हुआ था, दांडी यात्रा निकली थी, और जो दुनिया में नहीं हुआ वो भारत देश में हुआ। औरतें, 5,000 औरतें जेल में गई और नमक का कानून उन्होंने तोड़ दिया और सरकार को बताया कि आप कानून बनाओ, हम कानून नहीं मानेंगे। आज अंग्रेजी अखबारों में, बीबीसी में, द वायर में, इस देश में दो प्रकार के मीडिया है, जिसको हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, जो शाहीन बाग के औरतों के बारे में बिरयानी की बात रखते हैं, और दूसरा एक मीडिया है जो रविश कुमार एनडीटीवी वाला मीडिया है, वायर वाला मीडिया है, वो कहते हैं हम सलाम करते हैं इन औरतों को। इन औरतों ने एक बहुत बड़ा जुल्म को तोड़ा है। ये औरतों के हिम्मत में, अहमद भाई आप थोड़ा सुनो, इन औरतों के हिम्मत में मर्दों को हिम्मत दी है। जो मर्दों को लगता था कि सियासत तो उनकी है, देश के केंद्र के सत्ता में वो जाके बैठे हैं, उन मर्दों को हिम्मत देने का काम मेरे भगनों बहनों ने किया है, शाहीन बाग के औरतों ने किया है। शाहीन बाग क्या सिर्फ दिल्ली में है?
शाहीन बाग क्या सिर्फ दिल्ली के नोएडा सिटी के पास है? अरे आपको मालूम नहीं मोदी और अमित शाह, शाहीन बाग अब बंबई में है, शाहीन बाग मुमरा में है, शाहीन बाग कल्याण में है, शाहीन बाग भोपाल में है, शाहीन बाग अहमदाबाद में है और शाहीन बाग श्रीरामपुर में है और आने वाले दो दिनों में पीर के दोनों और मंगल के दिन संगमनेर में हम शाहीन बाग बना रहे हैं।